हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि टायर्ड ऑफ प्लस जीरन का क्या यूज है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम कब टायर्ड ऑफ प्लस जीरन का यूज करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम टायर्ड ऑफ प्लस जीरन का यूज तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई इंसान किसी चीज से थक गया है। जैसे अगर आपको कहना हो मैं ग्रामर सीखते सीखते थक गया हूँ, तो आप कहेंगे आई एम टायर्ड ऑफ लर्निंग ग्रामर। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं आपसे बहस करके थक गया हूँ, तो आप कहेंगे आई एम टायर्ड ऑफ डिस्कसिंग यू। फ्रेंड्स, अगर मुझे कहना हो मैं इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं पैसा कमाते कमाते थक गया हूँ, तो आप कहेंगे आई एम टायर्ड ऑफ अर्निंग मनी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं दवा खाते खाते थक गया हूँ, तो आप कहेंगे आई एम टायर्ड ऑफ टेकिंग मेडिसिन। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं बीमार पड़ने से थक गया हूँ, तो आप कहेंगे आई एम टायर्ड ऑफ गेटिंग सिक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि जब आपको अपने लाइफ में कहना होगा कि आप किसी चीज से थक गए हैं, तो आप इजारम के साथ टायर्ड ऑफ प्लस जीरन का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया तो प्लीज आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। अगर लिखा हो आई एम टायर्ड ऑफ कंट्रोलिंग द सिचुएशन, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? आंसर जरूर दें, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।